अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो हम यहाँ पे आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक केमिस्ट्री के पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आज ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 5 है। पेपर 5 का एक ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पेपर 5 के रिगार्डिंग। आपने शुरू में देखा, जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था ए लेवल केमिस्ट्री का भी, तब आपको हमने ये दिखाया था कि आपके पास पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है, पेपर 4 होता है और पेपर 5 होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप AS में दे देते हो, पेपर 4, पेपर 5 जो है वो A2 में दे देते हो। पेपर 1 MCQ का होता है, पेपर 2 AS लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, और पेपर 3 जो है वो प्रैक्टिकल पेपर। पेपर 4 जो होता है वो A2 लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, सो A2 में देते हो, और पेपर 5 जो होता है वो प्लानिंग एनालिसिस एंड इवेल्युएशन वाला पेपर होता है। ठीक है। इस पेपर में आपने, जैसे पेपर 3 में देखते हो आप, प्रैक्टिकल वाला जो पेपर होता है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करनी होती है खुद लाइव, ठीक है। और पेपर 5 में आपको क्या करना होता है, आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करनी होती है। पेपर 3 में तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन हो के सब कुछ हो गया है, वो होता है आपने बस वो उसका प्रैक्टिकल करना होता है। ये पेपर 5 बेसिकली एक किस्म का प्रैक्टिकल का पेपर ही है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल का पेपर है ये रिटर्न, आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करनी है, अपना एनालिसिस देना है, उसके बाद अपनी इवेल्युएशन भी करनी होती है, सॉरी अपनी इवेल्युएशन करनी है, आपने अपनी तरफ से उस एक्सपेरिमेंट की इवेल्युएशन करनी है कि इससे क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, कौन से इसके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, कौन से ये हैं, कौन से वो हैं, क्या सोर्सेज ऑफ एरर्स हो सकती हैं, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 5 के बारे में आप एक बात जो है वो प्लीज याद रखिए कि पेपर 5 में अगर आप एग्जामिनेशन में पेपर 5 में हाजिर है ना, आपका दिमाग हाजिर, आपको क्वेश्चन आ रहा है, समझ भी आ रही है, आपका दिमाग हाजिर है, तब भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप पेपर की तैयारी ना करें या पेपर 5 की तैयारी ना करें, लेकिन आप जो है वो जी तैयारी भी करनी है, इसके पास पेपर्स भी करने हैं और इसको इम्पोर्टेंस भी देनी है। इस चीज को ऐसे इम्पोर्टेंस दे के देखें कि जिससे आपके जो है वो ग्रेड जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। पेपर 1 में आपने देखा था कि पेपर 1 में 40 मार्क्स होते हैं, पेपर 2 में 60 होते हैं, पेपर 3 में जो होते हैं वो भी इतने ही होते हैं, 40 या कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। पेपर 4 में भी 60 होते हैं, पेपर 5 में सबसे कम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स। ठीक है। यस, और इसके 30 मार्क्स होते हैं, तो इसकी जो वेटेज भी होती है वो सबसे कम होती है। वैसे पेपर 5 के बारे में कुछ जो सिलेबस क्या कह रहा है वो ये देख लें कि प्लानिंग एनालिसिस एंड इवेल्युएशन 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होता है और जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, तो मार्क टू टाइम रेशियो जो है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसका ये मतलब है कि आप अगर आपने इस पेपर में सुकून से पेपर करना है, कोई जल्दी नहीं है, 30 मार्क्स हैं और 1.25 घंटा है, ठीक है, आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स है। सो दैट इज एम्पल ऑफ टाइम। क्वेश्चन जो है दे आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल स्किल्स ऑफ प्लानिंग एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मे बी आउटसाइड ऑफ द सिलेबस कंटेंट। जरूरी नहीं है कि जो आपने क्लास में पढ़ा है या सिलेबस में जो पढ़ा है वो ही आएगा, सिलेबस से कंटेंट से बाहर भी आ सकती है। ठीक है। वेटेज जो है वो 11.5% ऑफ द A level। ठीक है। पेपर 5 में 30 मार्क्स हैं तो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस। ठीक है। 15 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है, 15 का हो सकता है, एक 12 का, एक 18 का हो सकता है, कोई भी जो रेशियो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करके वो दे देगा।
ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपने दो स्किल्स देखनी होती हैं, एक प्लानिंग की स्किल्स होती हैं और एक एनालिसिस कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन की होती है, ठीक है। और बेसिकली इसके जो मार्क्स हैं, ओके, ब्रेक डाउन ऑफ स्किल जब प्लानिंग में होती है उसमें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके मेथड बता दिया, और जो दूसरी स्किल आपको आनी चाहिए वो डीलिंग विद डेटा है, ठीक है। डेटा आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में लिख दिया, उसकी फिर एक कंक्लूजन लिख दी, और फिर एवोल्यूशन इवेल्यूएशन लिख दी, ठीक है। इसके प्लानिंग के भी 12 मार्क्स आपको मिनिमम मार्क एलोकेशन है, और एनालिसिस कंक्लूजन इवेल्यूएशन के भी 12 मार्क्स हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग 6 मार्क्स हैं एलोकेटेड अक्रॉस स्केल इन दिस ग्रेड, एंड एलोकेशन में वेरी फ्रॉम पेपर टू पेपर, ठीक है। हर स्किल के लिए आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच स्किल इन पेपर 5 ये है कि कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट, ठीक है। एक और बात ये याद रखिए कि आप देखें कि अगर आपने पेपर 5 की प्रिपरेशन नहीं भी की भी ना, सो आप बगैर प्रिपरेशन में जाके पेपर 5 दे आते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि इफ यू आर प्रेजेंट एट द मोमेंट, आपका दिमाग हाजिर है, तब आप पेपर 5 में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं भी हाजिर एट वन पॉइंट, अगर आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने को आ जाता है, आप ग्राफ ही प्लॉट कर लें तो आपको 5-6 मार्क्स तो मिलते हैं। आप कुछ ना कुछ ग्राफ प्लॉट करके डेटा टेबल में डाल के कुछ ना कुछ करके आप जो है वो 10-15 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लीज एम ये रखें कि इसकी प्रैक्टिस करें पेपर 5 की, ठीक है, क्योंकि ये आप घर में बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने लैब्स में नहीं जाना, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक और ये वो है कि हम वीक में एक दफा एक क्लास जो है वो पेपर 5 की भी हो रही होगी इंशाल्लाह। इसके बारे में पहले इंफॉर्म कर भी दिया गया है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और यूट्यूब पर भी कर दिया गया था जी। और इसके बारे में जो आज इस लेक्चर के एंड में मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँगा कि हम कैसे चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग की बात करते हैं तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बात है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी एबल टू ये देख लें, छोटा आइडेंटिफाई सेफ एंड एफिशिएंट प्रोसीजर स्टेप्स नस आने चाहिए, एपरेटस जो उनको पता होना चाहिए कि विच एपरेटस इज सुटेबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, डिपेंडेंट कर लो, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स भी आप जो है वो आपने देखने हैं। दूसरी चीज जो है वो प्लानिंग में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम थी, और दूसरी चीज जो थी मेथड थी। अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसे जो है वो कैरी आउट करनी है, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट टेबल्स, प्रपोज ग्राफ्स टू प्लॉट की प्लॉट टू कंसीडर एंड डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस बाय यूज ऑफ वर्ड्स और लेबल डायग्राम्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेजरमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट वॉल कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, जैसे अगर आप एसिड इस्तेमाल कर रहे हो तो एसिड इस्तेमाल कर रहे हो तो हाथों में ग्लव्स पहन लो, ठीक है, लैब कोट पहन लें ताकि आपके कपड़ों पर ना कीड़ा हो, क्योंकि अगर आप नाइफ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो हो वो क्लोज शूज पहनो, ताकि अगर नाइफ जो है वो खुदा ना खास्ता आपके पाँव पर लगे तो कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स पहन लें। तो ये सब वो सब चीजें हैं जो आप एक तो ऑलरेडी इसमें आपको ओ लेवल्स में ATP वाला पेपर होता था उसमें भी देख के आए थे, जो प्रैक्टिकल वाला पेपर था पेपर 3 उसमें भी आप ये चीजें लेके आए। तो ये एक ही चीजें हैं जो बार बार इस क्वेश्चन में रिपीट होती हैं कि कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। तो अगेन अगर आपने तैयारी नहीं की भी तो अगर आपको ये प्रिकॉशंस भी पता है तो आप प्रिकॉशंस वाले क्वेश्चन में ही 3-4 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ टू वेरी द आइडेंटिफाई
डिपेंडेंट वेरिएबल्स ठीक है, और ब्ला ब्ला ब्ला, इस सिलेबस है पूरा उसमें गिवन है, आपको जो है वो पढ़ भी सकते हैं। एंड एनालिसिस कंक्लूजन एंड वैल्यूएशन को देखें तो आइडेंटिफाई कैलकुलेशंस मींस ऑफ प्रेजेंटेशन, ये टेबल ड्रॉ करना ठीक है, ग्राफ बनाना, कैलकुलेशंस आनी चाहिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, मीन कैलकुलेट करना चाहिए, परसेंटेज गेन परसेंटेज लॉस आना चाहिए ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो ग्राफ की इक्वेशन होती थी जो आप मैथ्स में पढ़ते थे, उसमें जो है वो ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, परसेंटेज एरर फाइंड करना आना चाहिए ठीक है। ये पहला पार्ट डीलिंग विद डेटा का ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो कंक्लूजन का ठीक है। ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन ठीक है, मेक डिटेल्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, फर्दर प्रोडक्शन प्रिडिक्शंस, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स ठीक है। फिर तीस जो उसके बाद इवेल्युएशन आती है, आपने इवेल्युएशन कर देनी है, एनोमलस वैल्यूज कौन सी हैं ठीक है, एनोमलीज कौन सी हैं, एनोमलीज आपको जो है वो आइडेंटिफाई करनी भी आती है। अगर नहीं आती तो देखो ये आपके पास ग्राफ है ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये एनोमली है क्योंकि इसका ग्राफ के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा ठीक है, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट में भी नहीं आ रहा, ये बिल्कुल रीडिंग जो है ये बिल्कुल ही उधर है, तो ये नजर आ रहा है कि ये कोई गलत रीडिंग है ठीक है। तो एनोमलीज आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद ड्रॉ टुगेदर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक जजमेंट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कॉमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड स्टेट वेदर और नॉट द डेटा सपोर्ट्स अ प्रेडिक्शन ठीक है। सो इस किस्म की जो चीजें हैं वो आपके पास आ जाती हैं ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है वो पेपर 5 के मुताबिक थोड़ी सी और बात जो मैं करना चाहता हूँ एंड में, पेपर 5 का ये जो मैंने इंट्रोडक्शन देना था वो तो खत्म हो गया, अब ये पेपर 5 के इंट्रोडक्शन से भी लग जाते हैं। हम जो है वो 1 वीक में 1 क्लास पर वीक फॉर P5 ठीक है, 1 क्लास हर वीक में जरूर होगी ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022 ठीक है। ठीक है 15 अक्टूबर 2022 से जो है वो ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी ठीक है। और ये जो हो रही होंगी ये यूट्यूब लाइव पर है ठीक है। ये यूट्यूब लाइव पर क्या मतलब, मतलब ये कि ये लाइव स्ट्रीम में होंगी ठीक है, यानी कि ये एक लाइव क्लास होगी ठीक है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा जैसे ये वाला है और मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल YouTube लाइव पर वीक में एक दफा ही क्लास हो रही होगी। अब ये डे जो है वो हमने जो है वो इन्फॉर्म करके, ये डे जो है ये फिक्स नहीं होगा ठीक है, द डे विल नॉट बी फिक्स। ये डे जो है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबली ये जो डे होगा ये थर्सडे होगा ठीक है, मोस्ट प्रोबली प्रोबेबिलिटी थर्सडे की ज्यादा है ठीक है। और ये एक जो P5 की जो क्लास होगी उसमें जो है वो एक पेपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है। सो इस पर प्लीज ये आपने हर कैंडिडेट से हर स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो ये क्लासेस जो है वो ले ताकि, और ये लाइव ले, ये बाद में इस जो उसके बाद तो भी ये जो है वो आपकी हो जाएगी बाद में, ये दिस विल बी ऑन यूट्यूब बट आपसे जो है वो गुजारिश जो होगी वो ये होगी कि आप
लाइव ले लें ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में ही, लाइव क्लास में ही आंसर हो जाए। सो मैं अभी जो एक काम चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको पेपर दिखा दूँ कि पेपर 5 का जो पेपर है वो कैसा होता है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं पेपर खोल लूँ। जी जी, सो ये आप हम आपका पेपर 5 का जो पेपर है वो है, आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा। सो पेपर 5 प्लानिंग एंड सिमुलेशन 1 आवर 15 मिनट्स, ये लेटेस्ट पेपर है जो इस साल हुआ है, अभी अक्टूबर नवंबर का सेशन तो नहीं हुआ। सो ये मई जून 2022 का सेशन है, 30 मार्क्स होती है, ठीक है? पेपर में इम्पॉर्टेंट वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स वो सब दिया हुआ है, ठीक है? अब ये देख लें कि आप, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सारा एक आपको वो दिया हुआ है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दी, ठीक है? तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा, ठीक है? फिर आपने छोटे तो एक एक मार्क के क्वेश्चन हैं वो आपने आंसर करने हैं, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी सी मोल्स की कैलकुलेशन है वो आ जाती है, फिर दो एक एक मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट करना है, मोलर वॉल्यूम आ जाता है, फिर आपने ये देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वीकनेसेस क्या है, ठीक है? और इम्प्रूवमेंट क्या है, ठीक है? तो एस मैं कह रहा था कि अगर आप नई तैयारी करके भी आए तो आप देखो कि आपको ये अगर डायग्राम अगर आप थोड़ा सा गौर से बना लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगी तो 4 मार्क्स हो गए, ठीक है? परसेंटेज एरर 5, 6, ठीक है? और 7, 8, तो 12 से 8 नंबर आप वैसे ही जो है वो स्कोर कर सकते हैं अगर आप तैयारी के बगैर आए, ठीक है? सो 8 मार्क्स आपके तो यहीं पर हो गए 30 से। फिर उसी तरह देखें कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा सा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, ठीक है? 2 वेरिएबल्स दैट नीड टू बी कैलकुलेटेड, तो ये तो आप कर लोगे तो आपको 3 मार्क्स जो है वो और मिल जाती हैं, 2 + 1, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जो है वो सीरीज ऑफ नंबर स्टेप्स में आपने एक आंसर लिखना है, ठीक है? तो चलो आप 3 अगर इसमें स्कोर नहीं करते, 1 कर लेते हो उसको, ठीक है? कुछ ना कुछ लिख के 1 कर लेते हो उसको, तो आपने वहां पे आपको 1 मिल गया। फिर एक प्रिकॉशन बतानी है, तो एक प्रिकॉशन सबको आती है वो भी आपने लिख ली, ये ठीक है? अब आपने 1/T बताना है, तो 1/T जो है वो T क्या है, एक मिनट, टेम्परेचर है, तो 1/T 1/T ये करते जाना है, ठीक है? इसमें भी अगर आप 2 निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? फिर ये देखें आगे ग्राफ आ जाता है, ये यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के 2 मार्क्स हैं, तो चलो आप 2 ले लो, उस टेबल में आपने 1 ले लिया, ठीक है? तो फिर भी आप जो हो वो कुछ ना कुछ बन जाता है, ये अगर आपको नहीं आता। ग्रेडियंट अगर आप निकाल लेते, ग्रेडियंट आप निकालना सबको आता है, ठीक है? 2 मार्क्स तो यहाँ पे भी हो जाती है, ठीक है? फिर ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, इससे आपने ईए की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है? और फिर आपने जो है वो अपना पेपर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो आपको पास आराम से जो है वो आप जो हो वो तैयारी के बगैर भी अगर आए भी हो, तैयारी के बगैर भी अगर आए भी हो, तो आप आराम से 18-20 नंबर आप ले रहे हो, ठीक है? सो तैयारी के बगैर भी कराए भी हो, जस्ट कीप दिमाग अपना हाजिर रखें तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पेपर 5 का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्द नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 42 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे अभी तक, जहाँ तक जहाँ भी 42 भी हुए हैं तो सब आपके प्यार मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से हुए हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स किसी भी चीज के रिगार्डिंग P5 और एनी अदर लेक्चर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें।